नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। गुजरात के अहमदाबाद में स्कॉन ब्रिज पर बुधवार की देर रात एक जगुआर कार ने करीब 25 लोगों को रौंद दिया। 9 लोगों की मौत हो गई और 15 जख्मी हो गए। मरने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड जवान भी शामिल है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि लोग 30 फीट दूर तक जा गिरे। पुलिस के मुताबिक ओवर ब्रिज पर एक महिंद्रा थार कार एक डंपर से पीछे से टकरा गई। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा थी। तभी राजपथ क्लब की ओर से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही जगुआर ने भीड़ को कुचल दिया। मृतकों में बेटाद और सुरेंद्र नगर के युवक शामिल है। ट्रैफिक विभाग के ACP SJ मोदी ने बताया कि इस घटना में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य को इलाज के लिए 16 सिविल ले जाया गया है। इस हादसे में जगुआर का ड्राइवर भी जख्मी हो गया, उसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि जगुआर में 2 लड़के और लड़की सवार थे। इसके बाद से ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। घटनास्थल पर मौजूद गुस्साए लोगों ने इनके साथ मारपीट भी की। हालांकि कुछ लोगों ने इन्हें बचाया और अस्पताल भेज दिया। कार में बैठी लड़की मौके से गायब हो गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।